नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम माही। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम खबरों का। जनपद फिरोजाबाद में सूरजमुखी देवी एजुकेशन एंड एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ट्रस्ट द्वारा इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल परमेश्वर गेट फिरोजाबाद पर किया गया। कार्यक्रम में शहर के 23 स्कूल के 125 विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नंदनी यादव व महापौर नूतन राठौर प्रोग्राम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विजयी प्रथम विद्यार्थियों को 3100, द्वितीय 2100 और 1100 रूपए तृतीय पुरस्कार विजेताओं को दिए गए। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नीता कांत उपाध्याय, श्री रमाकांत उपाध्याय, प्रधानाचार्य उज्ज्वल उपाध्याय, अन्य स्कूलों के डायरेक्टर उपस्थित रहे। आईएनए के लिए फिरोजाबाद से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज ये किस तरीके की प्रतियोगिता हुई है यहाँ पर और कितने बच्चों ने भाग लिया यहाँ पर? देखिए, इस समय हमारे स्कूल में 125 बच्चे ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। लगभग 22-23 स्कूल हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये प्रतियोगिता जो है वो इंटर स्कूल ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, जिसमें विभिन्न स्कूलों में हमने इनको सूचना दी थी कि आप अपने स्कूलों में कॉम्पिटिशन करवाएं और आपके यहाँ से जो चयनित बच्चे आएंगे, जो अच्छे बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ पर आएंगे और उन बच्चों को हम यहाँ पर एक साथ सारे स्कूलों के बच्चों को बिठाएंगे और उसमें हमारा स्कूल भी है, पंडित दीनदयाल भी है और हम लोग उनका एक वो करेंगे और इस तरह से उनकी चल रही है। इसमें क्या है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, स्कूल वाले कहते हैं कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वो भी निकल के बाहर आनी चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि कुछ बच्चे कहीं ना कहीं, कोई भी स्कूल वाले भी नहीं कुछ इतना करवा पाते, तो हम सब एक साथ मिलकर के अपने बच्चों को, उनकी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल ने इसकी शुरुआत की है। हमारा स्कूल है और हमारी कोशिश है कि हम लोग इस तरह की प्रतियोगिताएं करते रहे। कुल कितने बच्चे हैं भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में? लगभग 125 बच्चे अभी समय है। कुछ मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, उनके फोन आ गए हैं, कुछ ऑन द वे भी हैं अभी।